إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون आज के दर्श का उन्वान है मिसाली मुसलमान। मिसाली मुसलमान हर उस मोमिनो मुस्लिम शख्स को कहा जाता है जिसका किरदार तमाम उमूर दीन में ऐसे मेयार पर हो कि उसे दूसरों के लिए बतौर नमूना पेश किया जा सके। ये सुनवान का मतलब है मिसाली मुसलमान। अकीदा में, अमल में, इबादात में, मुआमलात में, अखलाकियात में घरेलू जिंदगी में, कारोबारी जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में गर्ज़े के जिंदगी के तमाम शोबों में वो इस कदर अल्लाह के उतारे हुए दीन पर कारबंद हो कि उसे दूसरों के लिए नमूना करार दिया जाए। कुरान और सुन्नत की रूह से सही मानों में मिसाली मुसलमान सबसे पहले सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम हैं।
कि तमाम उमूर दीन में कुरान करीम ने उनके मिसाली मोमिन होने की गवाही दी है, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बतौर मिसाल बहुत सारे उमूर दीन में पेश फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले किताब यहूदो नसारा की इस्लाह करते हुए फरमाया, फाइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदऊ, कि अगर वो अहले किताब यहूदो नसारा उस तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो। अब कुरान करीम में ईमान के हवाले से अव्वलीन मुखातब से सहाबा किराम, जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो तब वो हिदायत याफ्ता है। फका दिखता दऊ, मुनाफिकीन जिनके दिलों में कुफर छुपा हुआ था, ऊपर ऊपर से इस्लाम का कलमा पढ़ते थे और ईमान का इजहार करते थे, अल्लाह ताला ने उनकी इसलाह करते हुए भी नमूने के तौर पे सहाबा किराम को पेश फरमाया, वइज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नास, और जब उनसे कहा जाता है तुम ईमान लाओ जिस तरह लोग यानी सहाबा ईमान लाए, तो ये जो अजीम शान मर्तबा है मिसाली मुसलमान, इस पे बरसरे फहरिस्त सहाबा किराम हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम। हम उनके हालातो वाकियात पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि वो ईमान में, तकवा में, तौहीद में, इखलास में, अखलाक में किस ऊंचे दर्जे पर थे कि उनके हक में गवाही अल्लाह ताला ने दी है जो दिलों की धड़कने जानने वाला है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें बहुत सारे उमूर में नमूने के तौर पे पेश फरमाया। अब सबसे बुनियादी चीज ईमान है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का ईमान कैसा था? कुरान गवाही देता है, वलाकिन अल्लाह हब्बा इलैकुमुल ईमान, सूरह हुजरात है, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान तुम्हारी महबूब चीज बना दिया। ये सहाबा किराम की ईमान के वाले से हालत थी। इस दर्जे पर थे। अब इसकी मिसाल पेश करता हूं। अल्लाह ताला ने इसी सूरह हुजरात में फरमाया है कि मोमिन सिर्फ वो लोग हैं जो अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान लाए, फिर उन्होंने किसी किस्म का शक नहीं किया। यानी जो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, उस पर उन्होंने इंतहाई पुख्ता यकीन किया, फरमाया मोमिन वो है। अब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस मेयार पर थे और इस मेयार पे बड़े बुलंद थे। सही और बुखारी में लिखा है, हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब खारजियों से कताल किया,
तब बुरी तरह उन्हें शिकस्त दे ली तो लोगों से खिताब किया, कहा जिन लोगों से हमने किताल किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जितनी निशानियां बतलाई थी वो सारी पूरी हैं, एक निशानी बाकी है वो भी ढूंढो। सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है कि आपने उनकी निशानियां बयान करते हुए फरमाया था उनमें छोटे कद का एक आदमी होगा जिनका एक बाजू अधूरा होगा और बाजू का सिरा औरत की छाती की तरह होगा और ऊपर बाल होंगे, वो बंदा तो इन लाशों में तलाश करो। लोग गए ढूंढ के थक हार के वापस आए, आगे कहते हैं हमें वो बंदा नहीं मिला। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ना मैं झूठ कह रहा हूं और ना मुझे बतलाने वाले ने झूठ कहा है, बंदा तलाश करो। लोग दूसरे बार भी वापस नाकाम लौटे, बंदा नहीं मिला। हजरत अली ने अपनी बात से ही रहे, ना मैं गलत कह रहा हूं ना मुझे बतलाने वाले ने कभी झूठ बोला था। जब सारी निशानियां पूरी हुई यही भी होगी फिर जाओ बंदा तलाश करो, वो फिर वापस आ गए। तीन बार ऐसा होने के बावजूद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हिले नहीं, ये है सुम्मा लम यरताबू, हिले नहीं, मौकफ से नहीं हिले, खुद उठ खड़े हुए। एक जगह खारजियों की लाशों का ढेर था, कहा ऊपर से ये पीछे हटाओ लाशें। ऊपर से जब लाशें हटाई गई ना वो नीचे से बंदा निकल आया, बिल्कुल वही छोटे कद का और उसका एक बाजू नामुकम्मल और सिरा औरत की छाती जैसा। हजरत अली बेसाख्ता पुकार उठे, अल्लाह अकबर, सदा कल्ला बस सदा का रसूल, अल्लाह ने भी सच फरमाया, अल्लाह के नबी ने भी साची फरमाया। ये है मिसाली ईमान। तो जिनका ये मिसाली ईमान था वो थे मिसाली मुसलमान, थे आप इकराम रजी अल्लाह, शक किए ही थे, कैसे हो सकता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो फिर गलत नहीं हो सकता। इसी तरह से सही बुखारी में हदीस है, एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं कि फितने के मुतालिक मुझे कोई हदीस सुनाओ। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु फितने के मुतालिक अहदीस में बरसरे फहरिस्त थे, ये खुद कहते हैं लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर पूछते थे, मैं शर पूछता था कि कहीं शर मुझे लपेट मेरा ले ले। तो हजरत उमर ने उनसे पूछा तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया फितना घर में भी है, फितना कारोबार में भी है, फितना हमसायके वाले से भी है, फितना बीवी बच्चे में भी है, और इन छोटे छोटे फितरों को तो नमाज रोजा ये मिटा देते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं नहीं, मैं इन छोटे छोटे फितरों की बात नहीं कर रहा, उस तरह का फितना बतलाओ जो समुंदर की मौजों की तरह मौज मारेगा। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप उस बड़े फितने के हवाले से परेशान न हो, क्यों? आपके और उसके दरमियान दरवाजा बंद है। अल्लाह अकबर, दरवाजा बंद है। हजरत उमर ज़ेला ने पूछते हैं दरवाजा खोला जाएगा कि तोड़ा जाएगा? हजरत उज़ैफ़ा कहते हैं तोड़ा जाएगा। हजरत उमर कहते हैं फिर तो वो जब तोड़ दिया जाएगा तो फिर बंद ही नहीं होगा। कहा बिल्कुल ऐसे ही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुन के खामोश हो गए। बाद में
जो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द थे, उन्होंने पूछा कि क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता है कि वो दरवाजा कौन है। अब देखो ये सुम्मा लम यरताबू, ऐसा आला ईमान कि हदीस के हवाले से शक ही नहीं। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे उन्हें इस तरह पता था जिस तरह ये पता है ना कि कल आने से पहले दरमियान में रात आएगी फिर कल है, इस तरह उन्हें पता है कि वो दरवाजा कौन है। क्यों? मैंने उन्हें उगलूते नहीं सुनाए, मैंने उन्हें हदीस सुनाई है, उगलूते नहीं सुनाए, ऐसा यूल बुखारी के मैंने कोई उगलूते नहीं सुनाए, हदीस सुनाई है, उनको पता है। कहते हैं फिर अगला सवाल करने से जरा डर गए। अब हर शागिर्द उस्ताद से सवाल नहीं कर लेता, हर दौर में कोई ना कोई शागिर्द जरा लाडला होता है वो कर लेता है। कहते हैं हमने ना फिर खुद नहीं अगला सवाल किया, हमने मसरूख से कहा जरा ये भी पूछ दो कि वो दरवाजा है कौन। फिर हजरत उम्र को तो चलो पता था, हमें पता चल जाए वो दरवाजा कौन है। कहते हैं मसरूक ने फिर हजरत हुज़ैफ़ा से पूछा वो दरवाजा है कौन, कहा खुद हजरत उमर दरवाजा है रज़ी अल्लाह अन्हु, और तोड़ने का मतलब शहादत है। अब गौर कीजिए, मैं जो बात पूरी हदीस में से सुनाना चाहता हूं कि क्या कहा हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस की वजह से कि उन्हें ऐसे पता है जैसे इस बात का पता है कि कल आने से पहले बीच में रात है, रात के बगैर कल नहीं आएगी, ये टाल है ना, तो इस तरह उन्हें पता है। अल्लाह के फरमाए हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए पर सहाबा किराम को इतना यकीन था कि मामूली भी शक नहीं करते थे। सुम्मा लम यरताबू का अव्वलीन मिसदाक थे, ये थे मिसाली मुसलमान ईमान के हवाले से। ये मिसाल मैंने ईमान के हवाले से सुनाई। अब इसी तरह उमूर ईमान में अहम तरीन चीज फिर तकवा है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कैसे मिसाली मुसलमान थे, कुरान उनके हक में गवाही देता है उलाइकल्लज़ीन नमतअल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने उनके दिल तकवे के लिए खालिस कर दिए। अल्लाह पर कैसी गवाही है जबरदस्त, तकवे के लिए उनके दिल अल्लाह ने खालिस कर दिए। तकवा में उस मेयार पर थे वो। अब तकवा क्या है? अल्लाह से डरकर अल्लाह की नाफरमानी से बचना, ये तकवा है। ये सादा मफहूम है, निचोड़ है तकवे का। खा वो नाफरमानी फरैज़ो वाजिबात छोड़ने की शक्ल में हो, खा वो नाफरमानी हराम और कबीरा गुनाह के इर्तिकाब की सूरत में हो, अल्लाह से डरकर अल्लाह की नाफरमानी से बचना ये तकवा है। वो इस मैदान में कितने ऊंचे मियार पर थे, इतने ऊंचे मियार पर कि अव्वल तो आला दर्जा का तकवा होने की वजह से वो गुनाह और नाफरमानी वाला काम करते ही नहीं थे, और अगर कभी बेहसियत इंसान हो जाता तो उनकी हालत ये थी कि गुनाह एक बार और तौबा बार बार, इतना उनके दिलों में अल्लाह का डर था, इतना अल्लाह का डर कि गुनाह एक बार और तौबा बार बार। मैं इसकी भी थोड़ी सी झलक दिखलाऊं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से जज्बाती होकर एक लफ्ज़श हुई जब हुदैबिया का मुआहदा हुआ, उस वक्त कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, बगावत नहीं की, सिर्फ क्योंकि सुलह जब हुई मुआहदा हुआ तो बहुत सारे उमूर ऐसे थे जो बज़ाहर मुसलमानों के हक में नहीं लगते थे,
और हजरत उमर और दीगर सहाबा का जज्बे जिहाद था कि नहीं, हमें सुलह की बजाय इनका इलाज करके जाना चाहिए, हम उमरा करने आए हैं, इन्होंने रोका क्यों है हमें? अब ये एक जज्बा था, वो कोई दीन के बड़े बड़े अहम कामों से जान चुराने वाले तो थे नहीं, वो तो चाहते थे कि हो जिहाद, जज्बा था उनका। इस जज्बे की वजह से कुछ तकरार की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हक पर नहीं, ये हक पर है, वो बातल पर नहीं, बातल पर है, हमारा बंदा मरेगा तो जन्नत में ही जाएगा, जाएगा, उनका मरेगा तो जन्नत में ही जाएगा, जाएगा। ये सवाल जवाब किए, फिर कहा तो फिर इतनी लचक क्यों हम अपने दीन में दे रहे, ये तकरार की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इतनी सी बात है और वो भी जज्बे से, ईमानी जज्बे से ऐसी बातें की कि हम कोई भागने वाले नहीं, हमें इनका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हजरत उमर दी कहते हैं कि जब मैं जज्बात से निकला ना, तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरार की है। सही बुखारी की अल्फाज है, फअमिल तू लिज़ालिका आमाला। हजरत उमर कहते हैं मैंने फिर अपना वो गुनाह बख्शवाने के लिए पता नहीं कितने ही नेक अमाल किए कि कफारा बन जाए, कितने नेक अमाल किए कि कफारा बन जाए, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरार की। अल्लाह अकबर। तो जिस जिस शोबे में आप देखेंगे आपको वो मिसाली नजर आएंगे, मिसाली किरदार। सही बुखारी में लिखा है एक शख्स आया हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बैठ के तनकीद शुरू कर दी, आप अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं करते, आप हमें हमारा हक नहीं देते, सही हथियार नहीं देते, बोलना शुरू कर दिया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी। अब जो वाकया तो निजाम सही चलाता हो वो जल्दी किए फिर तनकीद नहीं बर्दाश्त करता जो काम सही करता, ये फितरी बात ही है। तो उम्र को गुस्सा चढ़ गया, करीब था कि कोई सजाई नाफज कर देते। पास जनाबे हुर बिन कैस बैठे थे, भांप लिया कि हजरत उम्र को गुस्सा चढ़ गया तो हो सकता है इसको कोई सजाई ना दे दे। उन्होंने फौरन है पर खुद ही लाफ हुआ, वाह उमर बिन उर्फ वारिदानिल जाहिलीन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा नक्शा खींचते हैं, कहते हैं हजरत उमर के गुस्से ने आयत से तजावुज नहीं किया, उधर हुर बिन कैस की जुबान पे आयत खत्म हुई, उधर हजरत उमर का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया। साथ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं वकाना वक्काफा इल्ला किताब अल्लाह, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो अल्लाह की किताब की बात सुन के वो फौरन अमल करने वाले थे। वैद सुनते ही गुस्सा ठंडा, कुछ भी नहीं कहा फिर उस बंदे, ये उनका तकवा में मेयार था। फिर इसी तरह दीन के उमूर में कुरान और सुन्नत के इल्म का जज्बा, इसकी भी बड़ी शान है। जो जज्बा दीन सीखने का और आगे पहुंचाने का सहाबाए किराम का था ना, अगर वो ना होता तो दीन वहीं खत्म हो जाता। हमारे जैसी हालत होती ना, हमारे पास तो कई मसाजिद में बाद नमाजों के बाद 2-3 मिनट का दर्स हदीस होता है, लोग वो भी नहीं सुनते, और अगर बिलफर्ज सुन रहे तो सुन के आगे पूछाया कभी किसी ने नहीं कि घर जाके बीवी बच्चों को सुना दे या दुकान पे गया तो अपने मुलाजमों को सुना दे, नहीं नहीं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु सीखने में और आगे पहुंचाने में इतने हरीस, अल्लाह अकबर, इलम के इतने हरीस। चंद मिसालें अर्ज करता हूं कि कमाल दर्जे पर वो थे, आज ऐसी मिसालें ढूंढकर नहीं मिलती। सही बुखारी में लिखा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कूफे के मिंबर पे खड़े होके उसकी कसम जिसके सिवा इला कोई नहीं, कुरान करीम की कोई सूरत ऐसी नहीं और कोई आयत ऐसी नहीं जिसके बारे मुझे पता ना हो कहां उतरी और किस मसले के बारे उतरी।
इतना हिरण, लेकिन हीर से देखो आगे, कहते हैं अगर मुझे पर पता चल जाए कि किसी इलाके में कोई बंदा है और कुरान करीम की किसी आयत या सूरत के बारे उसके पास वो इलम है जो अभी मुझे नहीं मिला, तो अगर ऊंट वहां तक मुझे पहुंचा सकते हो ना, मैं वहां पहुंचू और वो इलम भी लेके आऊ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी वफात पे तबसरा करने वालों ने तबसरा किया था कि अगर इलम के 10 हिस्से किए जाए ना, तो 9 हिस्से इलम दुनिया से चला गया। इतने आलिम से आदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था। सही बुखारी किताब ताबीर में है कि आपको दूध पेश किया गया, आपने पिया, जो बच गया हजरत उमर को दिया। लोगों ने पूछा आपने इसकी ताबीर क्या किया, फरमाया दीन का इलम। इसका मतलब यह था कि निफ्तों के बाद हजरत उमर के पास बड़ा इलम होगा। कहा यह ताबीर है कि जो इलम वही का मुझ पर उतारा गया है वो मेरे पास हजरत उमर के पास बहुत। लेकिन देखो एक वाक्या पेश आया, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत उमर ने पैगाम भेजा कि मुझे मिले हैं। वो आए, उन्होंने 3 बार कहा अस्सलामु अलैकुम, इजाजत है, अस्सलामु अलैकुम, अंदर आने की इजाजत है, अस्सलामु अलैकुम, अंदर आने की इजाजत है, कोई जवाब नहीं। हजरत उमर के ही काम में मशगूल थे, जवाब नहीं दिया। हजरत अबू मूसा वापस चले गए। वो हजरत उमर फारूक है तो मैंने अब्दुल्ला बिन कैस अबू मूसा अशअरी की आवाज नहीं सुनी, लोग साथ वाले ने सुनी है, तो वो किधर गए हैं, वो बुलाओ नहीं। वो खादम बाहर गया, वापस आया, कहता है वो तो चले गए हैं। दोबारा बुलाया गया हजरत अबू मूसा अशअरी से, हजरत उमर ने पूछा वापस क्यों गए, कहा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है 3 बार इजाजत लो, इजाजत मिल जाए ठीक है वरना वापस हो जाओ। अब तो आज का मुसलमान तो कोशिश करता है कि अगर घर से जवाब नहीं ना आया या जाने मिली तो दरवाजा ही उखेर दो। कहता है आधा आधा घंटा लोग दस्तक देते रहते, आधा आधा घंटा। अरे जब मूसा ने दी सुनाई, 3 बार इजाजत है, मैंने वो अमल किया है, आपने मुझे नहीं इजाजत दी, मैं वापस हो गया। हजरत उमर जरा परेशान हो गए कि अजीब बात है, इतना मोटा मसला और मेरे इलम ही नहीं आया। जब कोई ऐसा अनोखा मसला होता था ना, जरा तहकीक करते थे, ये नहीं कि उनको सियाबा पर एतमाद नहीं था, जरा तहकीक कर लेते कि इतना मशहूर काम मुझे नहीं पता। कहा अबू मूसा गवाह लाओ। हजरत अबू मूसा क्योंकि हजरत उमर जरा सख्त गिर थे, मुंह लटका हुआ, तो एक जगह अंसार के लोग बैठे थे, वहां जाए कहते हैं भाई परेशानी बन गई है, एक मैंने ये अमल किया है दलील के तौर पे दी सुनाई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा है गवाह लाओ, है जी, तो मुझे पता अगर गवाह लाना निकला तो फिर मुझे डांट पड़ेगी, तो कोई है तो मेरे से कोई गवाह जिसने ये हदीस सुनी। वो सारे अंसार के लोग वो हदीस जानते थे, वो कहने लगे हमें से जो सबसे छोटा है ना वो जाएगा, हमारे बच्चों को भी ये हदीस आती है, 9 उम्रों को। उस मजलिस में सबसे छोटे हजरत अबू सईद खुदरी थे, वो गए जाके गवाही दी, हाँ जी बिल्कुल हमारे सारे लोगों को ये हदीस आती है, मैं भी ये हदीस सुना ले आया हूं, है हदीस। अल्लाह अकबर। अब जो पहले कह रहे थे गवाह लाओ, जब यकीन हो गया ना कि ये तो है, तो अब हजरत उमर के जिनके बारे लोगों ने तबसरा किया था कि उनकी शहादत पर के 9 हिस्से इलम दुनिया से चला गया, लेकिन एक मसला नहीं ना आया, तो हीरस देखिए फौरन अपने आप को मुखातब करके कहते हैं अलहतनी असबक बिल असवाक अन कसीर में ना ले लूं। ये जो हम सात बाजारों में कारोबार करते रहे ना, हमें इस कारोबार ने बहुत सारे इलम से महरूम कर दिया है। हालांकि हजरत उमर ने कारोबार बड़ा कैसे किया था, ये भी सही बुखारी में लिखा है, कमाल अंदाज था सियाबा का, जिस शोबे में जाओ वो मिसाली मुसलमान थे। दो साथी थे ये, एक दिन एक रसूल सल्लम के साथ रहता, जो फैसले होते वही उतरती, जो दीन उतरता वो अच्छी तरह सीखता, जाके उसने हजरत उमर को सारा पढ़ाना है तो सोना है। दूसरे दिन हजरत उमर आ जाते, ये बारी बारी क्यों करते, ताकि दोनों को नफसों की रफाकत भी मिले, क्यों असल इलम आए आमने सामने, तो बारी बारी। अब जिस दिन हजरत उमर ने उतरना है, सारा दिन सीखना है वही फैसले मामलात, जो सीखना है सोने से पहले अपने साथी को पढ़ा के सोना है। सुबहानअल्लाह,
इसके बावजूद एक मसला नहीं आया तो क्या कहते हैं कि मुझे बाजारों की तिजारत ने बहुत सारे इलम से महरूम कर दिया। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह नुमा क्या हिरस्ता से आबा का, एक हदीस की खातर सुनन दारवी में लिखा है मदीना मुनवरा से मुल्क शाम पहुंच गई। और ये देखिए हदीस नहीं आती थी, हदीस आती थी उनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वास्ते ज्यादा थे। पता चला कि अब्दुल्ला बिन उनैस ने बिला वास्ता नबी से सुनी है, तो मैं उनसे सुनाऊं तो मेरे और नबी के दरमियान सिर्फ एक वास्ता रह जाएगा, सिर्फ वास्ते काम करने के लिए। इसको मुहद्दिसीन की जुबान में कहते हैं सनद आली करने के लिए, वास्ते ज्यादा हो तो सनद आली नहीं समझी जाती, वास्ता कम हो जाए तो वो सनद आली यानी ऊंची हो जाती, सिर्फ सनद आली करने के लिए कि मेरे और नबियों के दरमियान इस हदीस में जो वास्ते ज्यादा है वो कम हो जाए। महीना लगता था मदीने से मुल्के शाम जाते हुए, उस वक्त महीने का सफर किया, वहां जाके ढूंढा है जी। अब तो ढूंढना ही बड़ा आसान है ना आज के जदीद दौर में, वो उस वक्त तो ढूंढना भी मुश्किल था। ढूंढा जाके घर हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु का, दस्तक दी, खादम उनका दरवाजे पे आया, कौन? जाबिर। अंदर जाके बताया जी जाबर नामी एक शख्स आया। वो हजरत अब्दुल्ला कहते हो फिर पूछ जाबर बिन अब्दुल्ला मदीने वाले तो नहीं? वो खादम फिर आया, अजी आप जाबर बिन अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा वाले? कहा हाँ। उसने बताया हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस की दौर लगी है, मदीना मुनव्वरा से जाबर आए, जाबा से आबा का प्यार ही बड़ा था, रुआ माओ बहना उनकी मिसदाक थी, जाबर आए। कहो बैठो, गले लगाया, इस्तकबाल किया। वो कहें नहीं 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 बैठे गए, पर वो सारा कुछ बाद में, मैं वो जुलम के उनवान पर वो जो हदीस है ना, वो जो रसूल अकरम से आपने डायरेक्ट बिला वास्ता सुनी है, पहले मुझे खड़े खड़े वो हदीस सुना दो। ऐसा ना हो हदीस सुनने से पहले मैं फौत हो जाऊं या सुनाने से पहले आप फौत हो जाए, मेरा सबर ही जाये हो जाए, पहले वो सुनाओ बाकी बाद में, जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाए। क्या जज्बा है, अल्लाह अकबर, क्या जज्बा। जिस मैदान में जाओगे यही हालत होगी, दीन के अंदर अल्लाह अकबर, दीनी उमूर में मुसाबके की भी बड़ी शान है। इस मुसाबके में भी सहाबा मिसाली मुसलमान थे, मुसाबका के दीन में आगे निकलने की कोशिश करना, मुसाबका आज भी है, आज तो मुसाबका यही है। उसने इतने लाख बेटे की शादी पे लगाया, हमने को 2-4 लाख ज्यादा लगाना है। उन्होंने ये हाल कराया, नहीं यार हमारा उससे ऊंचा होना चाहिए, 12 शरीका है, उन्होंने अब ये गाड़ी निकलवा ली है, लो हम अभी तक वो पुरानी आल्टो भी फिर रहे हैं, नहीं अगला मॉडल लेना है। तुम्हारा मुसाबका ये है, आज इस वक्त मुसाबका ये चल रहा है। हकीकत है, जहां 4 बंदे बैठे हैं बातें भी यही है, 13 सूट कितने का है, ये यार जूता तो बड़ा मारा है, कहां से लिया है, औरतें बैठी हैं तो वहीं, किस ब्रांड का ये है, चक्कर ही और कोई नहीं, दौर लग गई बस। हाँ जी वो बाबा तो बच्चों के कहो देखो वो हमारे जैसे ही है ना, वो भी उनका एक इराक चला गया, एक अमेरिका चला गया, एक जापान चला गया, तुम अभी तक है जी ये इस इलाके में धक्के खा रहे हो, तुम भी हिम्मत करो। लो ये मुसाबका है, ये कभी नहीं किसी ने कहा फलां के 5 बेटे और 5 नमाजी हैं तो तुम बेनमाज हो, तुम भी नमाजी बनो, फलां के 3 बेटे हैं तो तीनों दीन के आलम है, तुम भी आलम बनो, ये कभी नहीं, ये सोच ही नहीं आज के मुसलमान। वो थे मिसाली मुसलमान, दीन में मुसाबका आगे निकल जाए। इसकी भी एक झलक दिखलाता हूं कि वो इस मुसाबके में कहां थे, दुनिया की तो उनकी हालत ही कोई नहीं थी, मिलने के बावजूद वो गुलछड़े नहीं उड़ाते थे, ज्यादा आखरत का तोशा बनाते थे। मुसाबका ये था, मशहूर बात है, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए ऐलान कर दिया। उन दिनों हजरत अबू बकर का माल थोड़ा था, मेरा ज्यादा था, तो मैंने कहा लो आज मैंने आगे निकल जाना है। कहता मैं आधा माल ले आया, हजरत बकर जो माल लेके वो थोड़ा सा माल था, मैं कहा आज नंबर अपने ही है, देखो दीन के मुकाबले में वो शामिल है। और हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल की आरजू थी कि चलो किसी एक काम में तो मैं आगे निकल जाऊं अबू बकर से, हर काम में ये आगे,
किसी एक काम में तो मैं आगे निकल जाऊं, कैसी सोच है। कहते हैं जब रसूल अल्लाह ने पूछना शुरू किया ना जी, मुझे पूछा क्या लाया, मैंने कहा जी जितना अल्लाह ने आजकल माल दिया आधा मैं ले आया हूं। अबू बकर तुम क्या लाए हो, कहा अल्लाह के रसूल सल्लम घर में जो था मैं सारे ले आया हूं। वो घर में नहीं कुछ छोड़ा, घर वालों के लिए, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं बस, बाकी सारा कुछ ही ले आया हूं। हजरत उमर की अल्फाज है, कहने लगे मैंने हिसाब लगाया इस बुजुर्ग से आगे निकलना मेरे बस की बात नहीं। देखो पर सोच क्या है कि दीन के मुकाबले में आगे निकले। और ये एक मैंने झलक दिखलाई है सहाबा किराम की, बहुत सारे दीनी उमूर में यही हालत थी, वो इस पर अमल करते थे। क्योंकि तो कुरान में हुक्म है साबिकू सारे ऊ फस तबिकू, अंदाज बदल बदल के हुक्म है, नेकी के मैदान में एक दूसरे से आगे निकलो। ये मुसाबका नबियों का रहा है, अल्लाह ने नबियों की सिफात बयान करते हुए सूरह अंबिया में बयान किया कि वो भी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे दीन के मैदान में, दुनिया में नहीं, दुनिया के मैदान में नहीं। तो बहरहाल ये जो उन्वान है ना मिसाली मुसलमान, इसका अव्वलीन मिसदाक सहाबा किराम है। अगर सहाबियात को देखो तो वो भी ऐसे ही थी। एक दो झलक में उनकी भी दिखला देता हूं ताकि मजमून खत्म किया जाए। अल्लाह अकबर, आज की औरत की हालत क्या है, पर्दे से इसका दम घुटता है, पर्दे से, मास्क से नहीं घुट रहा। हालांकि पर्दा वो चेहरे से दूर होता है और मास्क वो तो ऐसे चबो की तरह है, जिस तरह गाय भैंस को चबो नहीं चढ़ा होता, वो तो चबो की तरह चढ़ा होता है खास के। वो मास्क से दम नहीं घुटता, क्यों, वो यहूदियों की तरफ से आया है। पर्दे से दम घुटता है, क्यों, वो इस्लाम का दावता है। आज तो औरतों की हालत है, इल्ला माशाल्लाह कोई है जिसको पर्दे से प्यार और वो नेमत समझ के पर्दा करे। अब बड़े बड़े मजहबी ग्रामों में पर्दा कोई नहीं, आप देखते हैं हम कहता आगे मर्द है उसकी माशाल्लाह पूरी डारी है सीने में, उसके सर पे भी कपड़ा है, उसके कंधे पे भी रखा हुआ है, हैं जी, वो पूरा दीनी माहौल है। और पीछे पो माह के महीने में जो औरतें हैं है, उनके सर भी नंगे हैं, गले भी नंगे हैं, बाजू आधे हैं, पिंडलियां नंगी हैं, उन्हें तो पो माह की सर्दी भी नहीं जिस्म डांपने पे मादा करके, ये हालत है। सहाबियात अल्लाह अकबर, उन्होंने पर्दे को किस तरह नेमत समझ के कबूल किया, वो दीनी उमूर में सहाबियात भी किस ऊंचे मियार पर थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, उनका दूध के रिश्ते में चचा अफला मिलने के लिए आया। अफला कहा इजाजत दो मैं तेरा चचा हूं, कहा दूध औरत ने मिलाया तू कैसे चचा बन गया, कोई इजाजत नहीं। अब देखो मसला का इलम जो नहीं था तो दोनों पहलू मौजूद थे ना, ये भी आज की औरत तो दिल कहती चलो अगर पर्दा होगा तो आइंदा देखी जाएगी, वो तो कह रहा है मैं दूध के रिश्ते में चचा हूं, अब तो आए बैठे कब शब करे, अगर पर्दा हुआ तो आइंदा पर्दा कर लें। लेकिन वो आला म्यार पर थी वो औरतें, हजरत ऐसा नहीं जा दूध औरत बुलाए वो तू चचा कैसे बन गया। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाओ, देखो वो भी नहीं नाराज हुआ। आज कितने बुजुर्ग मैं जानता हूं वो कई घरों में नहीं जाते, हे जी मुझे देख के पर्दा करती हैं, मैं बदमाश हूं, मैं क्या देता हूं, तू बदमाश ही है जिसको पर्दे से तकलीफ है। अगर तुझे औरत के पर्दे से तकलीफ है ना तो तू बदमाश ही है, और बदमाश को ठीक लगे होते, हे जी मैं बदमाश हूं मुझे देख के पर्दा करती, बदमाश ही है तू, तुझे इस्लामी हुक्म से तकलीफ है और बदमाश उसको कहते। लेकिन वो देखो वो भी पलट गया, कोई नाराज नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजरत आयशा ने मसला पूछ लिया तो आपने क्या फरमाया, नहीं वो वाकई चचा है, अगरचे दूध औरत ने बुलाया है लेकिन दूध से भी वो सारे रिश्ते आराम हो जाते हैं जो नसब से होते हैं, तो आइंदा आए तो इजाजत दे देना। अब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने मौका तब्लीग किया, मतलब पहले नहीं उसको इजाजत दी, जितना एहतियात वाला मौका है, औरत है।
इसी तरह अल्लाह अकबर औरतों के अंदर अज़वाजे मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाते तैयबात आला मियार पर थी, कुरान और सुन्नत के अहकाम के बारे में जान छुड़ाने वाली नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा खैबर हो गया और बड़ी गनीमत आई, पूरे पूरे साल का राशन अपनी बीवियों के घर देते थे, लेकिन ये औरतें होती, हालांकि औरत में हिरज मर्द से ज्यादा होती है, इस कदर हर सखावत करने वाली थी, इस कदर कि ये जो दो दो महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी, ये नहीं गरीबी थी, सखावत थी। वरना रसूलुल्लाह सिर्फ पूरे साल का राशन दे रहे हैं, फिर आग क्यों नहीं जलते, अपनी जरूरत की भी परवाह किए बगैर खर्च करते थे। जिस तरह एक वाक्या सही बुखारी में अम्मा आयशा कहते हैं, एक औरत आई, उसके साथ दो बच्चियां थी, उसने सवाल किया तो मेरे पूरे घर में शाही पनीर एक खजूर निकली, मैंने वो एक खजूर भी उसको दे दी। देखो एक खजूर ही निकली है, ये नहीं सोचा कि चलो एक खजूर का अंदर भी तो काम चलते ही है ना, मैंने उसको दे दी। कैसी सखावत है, वो खजूर उस औरत ने भी अखीर किया है, उसने वो खजूर के दो टुकड़े किए, एक एक बेटी के मुंह में, दूसरी बेटी के मुंह में खुद कुछ भी नहीं खाया। सहाब याद की यह हालत, सही बुखारी में वाक्या लिखा है, वो औरत जिसको मिर्ची का दौरा पड़ता था, कहती अल्लाह के रसूल सल्लम बड़ी तकलीफ है, दुआ कर दो अल्लाह शिफा दे दे। आप फरमाते हैं मैं दुआ कर देता हूँ, लेकिन अगर तू सबर करे मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूँ। वो कहती है मिर्गी पर सबर और जन्नत मुझे मंजूर है, सस्ता सौदा है। लेकिन देखो वो औरतें औरतों के मसाइल में किस मेयार पर थी। वो दूसरी बात करती है, कहती है अल्लाह के रसूल मिर्गी बर्दाश्त है अगर बदले में जन्नत है, लेकिन जब मुझे कई दफा रास्ते में भी दौरा पड़ जाता है, जब दौरा पड़ जाता है तो मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, इतनी दुआ जरूर कर दे कि मैं बेपर्दा ना हुआ करूँ। हालांकि दौरे की हालत में तो कलम ही रोक लिया है, कलम उठा लिया गया, होश में नहीं, वो कलम ही उठा लिया गया, लेकिन उसको उस हालत में भी बेपर्दगी गवारा नहीं, शर्मो हया में पर्दादारी में वो औरतें किस मियार पे थी, किस मियार पे। तो मिसाली मुसलमान होने में सहाबा बरसर फहरिस्त, उसके बाद अल्लाह पर ताबीन तबा ताबीन, खैरुल कुरून में लोग बड़े मिसाली थे कि जिनका ऐसा किरदार कि उसे नमूना बनाया जा सके। मैं एक इज्तिमाई बात करता हूं जो इब्ने कुदामा में लिखी है कि उस खैरुल कुरून के दौर में हालात ऐसे थे, मर्द तो मर्द, औरतों के हालात इतने दीन के हवाले से ऊंचे थे कि जब शोर सुबह घर मजदूरी के लिए घर से निकलता, अंदर से बीवी आवाज देती जाते जाते शोहर को, थोड़ा ले आना पर हलाल का लेके आना, अल्लाह अकबर, थोड़ा ले आना लेकिन हमारे लिए हलाल लेके आना। आज शोहर की आमदन 20,000 है तो बीवी की हफ्ते की फरमाइश 30,000 है। किला दीदार से कारी दुमान जाफर साहब आबी गावला तशरीफ ले आए, वहां का मैं एक वाक्य सुनाता हूँ कि आज हालत क्या है, बस आखिरी बात और दरस कहता हूँ। मुझे आज भी असल में इन्होंने टैम का पबंद नहीं बनाया, इन्होंने कहा जितना मर्जी टैम लगा लो, बहरहाल फिर भी मैं खत्म करने लगा हूँ, मेरी आदत लंबे दरस की नहीं। लेकिन वो हमारे भाई जकरिया हाफिजाउल्लाह सऊदीया में है, वो प्रोग्राम कराते हैं कुछ, तो उनकी ख्वाहिश होती है दरअसल लंबा हो, तो वरना मैं जरा इसी के बाद का कायल हूँ। बाबा शाह जी की मुझे बात याद है, जही पेश बस कौन के गोयंद बस, मतलब इससे पहले बस कर दो कि लोग कहें कि बस। तो वो बड़ी एक बात मुझे पसंद है, इसलिए मैं नहीं लंबे दरस का कायल रखना, आखिर वो भाई वो रखते हैं प्रोग्राम, उनकी ख्वाहिश, चलो उनकी ख्वाहिश का भी कभी एहतराम करना होता है। तो किला दीदार से मैंने एक शायर लोगों ने पकड़ लिया, ये सच्चा वाक्य है वहां का, और आज से कितने साल पुरानी बात है। उसको कहा तू जवान जान है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, तुझे काम लेके देते हैं, तू मांगना छोड़ दो। वो कहता कौन से काम पे लगाओगे, इजाफी अपनी जरूरियात से इजाफी 1,000 रुपया यौमिया चाहिए, 1,000 रुपया यौमिया चाहिए इजाफी। वो कौन सा काम लेके दोगे कि घर के राशन के अलावा, बच्चों की जरूरत के अलावा, है जी अपनी जरूरत के अलावा, उसमें 1,000 रुपया रोजाना कदा भी बचे। उन्होंने कहा वो क्यों चाहिए,
कहते बीवी ने उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलना शाम को जब तक 1000 रुपया ऐसे पकड़ाना नहीं। दरवाजे के सुराग से 1000 रुपया पकड़ाना है तो दरवाजा खोलना है। ये आज की औरतें, ये मिसाली मुसलमान। आज तो हकीकत है, और सही बुखारी में हदीस है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक लोग अल्लवल फलवल करके चले जाएंगे तो छान बुरा रह जाएगा। ये हम तो छान बुरा है, वरना वो मिसाली लोग चले गए जो ईमान में, तौहीद में, इखलास में, सखावत में, शिजात में, अल्लाह अकबर। जो जिम तो एक दिन नहीं गए थे पर दुनिया फदा कर दी थी, आज जिम रोज जा रहे अल मोमिन अल कवियो खैर मिन अल मोमिन ज़ईफ, तो फदा तो दूर की बात है, बेचारा पढ़ता 5 नमाजें भी नहीं। ये मिसाली मुसलमान है। अल्लाह करे हम भी मिसाली मुसलमान बन जाएं। अल्लाह इस्लाह और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।